हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए टॉप 3 बेस्ट थीम्स के वीडियो में। चलिए बात करते हैं आज के पहले थीम के बारे में, जिसका नाम है यूनिमिक सिंपल वर्जन 12। इस थीम के वॉलपेपर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। लॉक स्क्रीन वॉलपेपर एक कमाल का वॉलपेपर मिलता है, और होम स्क्रीन वॉलपेपर भी ऑसम ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में। आइकॉन पैक स्टॉक वाला मिलता है। कंट्रोल सेंटर इसमें चेंज हो जाता है, जो कि कुछ स्क्वायर में आता है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये एक मिनिमल थीम है, इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इसमें क्लॉक विचेट कितना ऑसम मिल रहा है हमें। iOS 14 के तरह है, लेकिन आईफोन के तरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ही बेस्ट दिख रहा है। और सभी चीज़ इसमें तो नॉर्मल है, बस ये क्लॉक विचेट और इसका कंट्रोल सेंटर चेंज होता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं आज के अगले थीम के बारे में, जिसका नाम है कलर्स लाइन। ये भी एक मिनिमल थीम है, जो देखने में बहुत ही यूनिक लुक देता है आपके फ़ोन को। इसमें कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं होता, वो नॉर्मल मिलता है, लेकिन डायल पैड और मैसेजिंग ऐप चेंज होता है। और इसमें वॉलपेपर कमाल का मिलता है, और आइकन पैक इसके बहुत बेस्ट हैं। तो चलिए इसे अप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वॉलपेपर कितना कूल लुक वाला मिलता है, बिल्कुल एमोलेड वाला फीलिंग देता है आपके IPS डिस्प्ले में भी। और ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है फुल्ली, देख सकते हैं आप, डार्क मोड में भी ये चलता है। ये एक बहुत बेस्ट थीम है, लेकिन ये मिनिमल थीम है। तो चलिए बात करते हैं आज के अगले थीम के बारे में, जिसका नाम है iOS कैमी फ्लैग। इस थीम में आपको कमाल का वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन विचेट मिल जाता है। इसका लॉक स्क्रीन सिंपल है, कुछ खास कस्टमाइजेशन नहीं है। इसके आइकॉन पैक सबसे बेस्ट मुझे लगे अभी तक के जितने भी थीम हैं आज के वीडियो में, जितने भी थीम हैं सबसे बेस्ट मुझे लगा है इसी का आइकॉन पैक। तो चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका वॉलपेपर भी बेस्ट है। तो और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में कोई खास चेंज नहीं है, हालांकि वो वॉलपेपर की वजह से ये देखने में थोड़ा यूनिक लग रहा है, हालांकि कोई चेंजेस नहीं है खास उसमें। बाकी आइकॉन पैक इसका बहुत बेस्ट है, पर्सनली मुझे तो इसका आइकन पैक पसंद आया। बाकी ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपको पसंद आता है या नहीं, मेरे हिसाब से ये मुझे पसंद आया। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना सपोर्ट दिखाएं प्लीज़ इस वीडियो पे, इस चैनल पे, ताकि आगे बढ़ के और भी बेस्ट थीम के वीडियोज़ मैं ला सकूँ। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।